Assalamualaikum viewers, welcome to another vlog। तो हमारे इस मास्टर केज में इन तोतों को आज पूरे 18 दिन हो गए हैं। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए अंदर चलते हैं और आपको इनकी एक्टिविटीज दिखाते हैं। साथ साथ आपको दिखाता चलूं कि ये हमारे प्लांट्स भी देखें कितना ग्रो कर गए हैं। ये देखिए ये भी फूल निकल रहा है और ये स्पेशली जो है वो गुलाब का फूल भी इसमें निकला है। तो चलें अंदर चलते हैं और इन्होंने कितने अंडे बच्चे किए ये सब देखते हैं चल के। ये हम लोग आ गए हैं मास्टर केज के अंदर और आज तकरीबन इसके पूरे 18 दिन हो गए हैं। तो मुझे बहुत से व्यूवर्स कह रहे थे कि आप डेली वीलॉग क्यों नहीं बना रहे। तो जैसा कि मैं आपको पता है कि मैंने ये नया मास्टर केज लगाया है और अभी तक यहाँ पे अंडे बच्चे नहीं हो रहे। तो इस मास्टर केज में भी अंडे बच्चे नहीं हो रहे, इस वजह से मैं डेली नहीं दिखा रहा। लेकिन जैसे ही बच्चे आ जाएंगे तो मैं आपको डेली दिखाऊंगा। देखिए किस तरह पेड़ लगे हैं और ये पेड़ जो हैं वो इस वक्त मैटिंग भी कर रहे हैं, तो तब मैं फिर डेली व्लॉग बनाया करूँगा। आज मैं आपको बताता हूँ एक स्पेशल फार्मूला जो मैं इनको दूंगा, जिससे इनकी मैटिंग के रिजल्ट भी अच्छा होगा और अंडे बच्चे और भी अच्छे होंगे। और इन डोलियों में से किस डोली में अंडे आ चुके हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि इनमें बच्चे आ चुके हैं। ये है वो स्पेशल छली जो कि आपने सर्दियों में ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट होने से पहले खिलानी है। और इस छली का मैं आपको बताता चलूँ, ये इसको हम ज़्यादा सख्त ना हो इसको हम दुधिया छली कहते हैं। दुधिया छली की निशानी ये है कि जब आप इसमें यूँ नेल मारेंगे तो इसमें से जो आपको ना ये इतनी सॉफ्ट होगी कि आपको इसमें से बर्स्ट होने की आवाज़ आएगी। तो आपने भी मार्केट से इसी तरह की लानी है। और ये तोते जब इसको खाएंगे तो इनकी ब्रीडिंग बहुत ज़बरदस्त होगी और आने वाले बच्चे सारे के सारे सेहतमंद होंगे और सारे के सारे जो इसके अंडे हैं वो जो है फर्टाइल होंगे। बस ये हमने छली उतार दी है और इस छली को हम एज इट इज़ यहाँ रख देते हैं। और अभी आप थोड़ी देर में इसका कमाल देखिएगा किस तरह ये सारे के सारे तोते इस तरह के लपकते हैं। और इन छली के बाद जब ये लोग छली खा लेंगे तो मैं आपको मटकी के अंदर जितने भी अंडे अभी तक आए हैं वो सारे दिखाऊंगा। और इसके अलावा इन मटकियों के अंडे दिखाने के बाद मैं आपको अपने जो मेरे 4 पेयर छोटे केजेस में हैं उनके बच्चे कितने बड़े हो गए हैं वो दिखाऊंगा। तो आपने वीडियो एंड तक देखनी है अगर आपको बच्चे कितने बड़े हो गए हैं वो देखने हैं। ये देखें हमारे यहाँ काफ़ी रौनक लगी हुई है और सारे के सारे पेयर यहाँ पे जो है वो मैटिंग भी कर रहे हैं और पेयर की फॉर्म में आ चुके हैं। मैंने फिलहाल एक छली रखी है और बाकी छली भी हम निकाल लेते हैं शॉपर से। सारी की सारी मैं आपको दिखाऊँ कि मैं चेक करके लाया हूँ कि ये सारी की सारी सॉफ्ट होनी चाहिए, क्योंकि ये जो है ना हार्ड छली ये नहीं खा सकते। इसमें भी देखें मैं आपको हाथ लगा के दिखाता हूँ, ये भी बिल्कुल सॉफ्ट दुबिया छली है। तो इसको भी हम रखते हैं इसके अंदर। सारे तोते छली खाने में मसरूफ़ हैं और मैं इनके कितना करीब आ गया हूँ और ये इतने टेम हो गए हैं कि अब डरते नहीं हैं। आज मैं आपको बताता चलूँ कि जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया कि इनका इन मास्टर केज में इन सब तोतों का आज जो है वो 18वां दिन है। और इस 18वें दिन की ये प्रोग्रेस है कि यहाँ पे जोड़े लगना शुरू हो गए हैं और यहाँ पे हर तोती ने अपनी मटकी मल ली है। अच्छा, कुछ मेरे दोस्त कह रहे थे कि आप डेली वीडियो अपलोड करें, तो मैं उनको बताता चलूँ कि क्योंकि ये मास्टर केज यहाँ था और मुझे पता था थोड़ा टाइम लगेगा इनको यहाँ पे एडजस्ट होने में, तो कोई प्रोग्रेस इतनी ख़ास नहीं थी, जोड़े नहीं बन रहे थे, अंडे नहीं आ रहे थे, तो मैं डेली की वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था। लेकिन जैसे ही यहाँ पे अंडे देना शुरू हो जाएंगे, बच्चे निकलना शुरू हो जाएंगे, तो मैं डेली की वीडियो अपलोड करूँगा। और आज भी मैं आपको अभी दिखाता हूँ एक एक मटकी में जा कर के वहाँ पे कितने अंडे हैं। क्लोजअप देखें किस तरह ये छली खा रहे हैं तोते। ये छली इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट हो गया है, तो आप लोग भी ये छली इनको लाजमी खिलाएं, क्योंकि ये छली इनको ब्रीड पे लाएगी और इनके सारे के सारे बच्चे जो हैं वो अच्छे पैदा होंगे और कोई भी अंडा इनफर्टाइल नहीं होगा। देखिए अभी ये वाले तोते ऊपर बैठे हुए अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। हालांकि मैंने एक जगह यहाँ रखा है, एक मैंने यहाँ रखा है और तीसरा यहाँ रखा है, ये किसी की नज़र नहीं पड़ रही, ये अभी तक बिल्कुल साबुत है। लेकिन ये इसकी हालत आप देखें कि ये बिल्कुल जो है वो इस वक्त जो है वो ये तोते खा चुके हैं और ये अभी बिल्कुल कैमरा शाय नहीं है।
अगर आप मेरी पुरानी वीडियो उठा के देखें तो मैं इनके करीब भी आता था तो ये तो भाग जाते थे, लेकिन अभी ये कैमरे से बिल्कुल नहीं डर रहे और इनका फोकस सिर्फ और सिर्फ खाने पे है कि कहीं हम रह ना जाएं। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त व्यू आ रहा है और कुछ ही दिनों में यहाँ पे बच्चे भी आ जाएंगे, अंडे तो आ गए हैं। तो अभी मैं आपको थोड़ी देर में जाके मटकियों में दिखाता हूँ कि किस मटकी में कितने अंडे आए हैं। और ये देखें यहाँ पे ये तोती मटकी में बैठी हुई है, इसके अलावा ये तोती भी देखें मटकी में बैठी है। तो अभी जो है वो अंडों को भी मैं आपकी सुरताल दिखाता हूँ। तो इस डोली में देखते हैं हम, ये तोता भी है यहाँ पे और तोती अंदर है। तो देखें इसमें इसने अंडा दिया हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा इसने एक अंडा दिया हुआ है और ये हमारी पहली तोती है जिसने अंडा दे दिया है। ये वाली जो मटकी है इसमें पहला अंडा आ गया है और अभी हम बाकी मटकियाँ भी आपको दिखाते हैं। इन सब मटकियों में अंडे आएंगे, बच्चे आएंगे, डेली की बेसिस पे फिर मैं वीडियो बनाया करूँगा। तो देखें अभी थोड़ा सा ये कैमरा शाय है ये तोती, ये देखें इसने अंडा दिया हुआ है और वो अंडा आपको नज़र आ रहा होगा। इस मटकी में तो मैंने आपको दिखा दिया कि देखें एक अंडा आया हुआ है और तोती भी बाहर निकल गई है। बाकी किस मटकी में देखते हैं, यहाँ भी अभी कुछ नहीं है और यहाँ भी अभी कुछ नहीं है। इसके अलावा जो है वो मटकियाँ मुझे भी खाली नज़र आ रही हैं। आज जो है इसका जो है वो 18वां दिन है तो बाकी मटकियाँ मुझे खाली नज़र आ रही हैं, लेकिन ये क्रॉस कर रहे हैं और होपफुली जल्दी करेंगे। इसके अलावा देखें इस मटकी में भी तोती तो अंदर बैठी हुई है लेकिन इसने अभी तक कोई अंडा नहीं दिया, तो होपफुली ये भी जल्दी अंडा दे देगी। यहाँ देखते हैं कोई अंडा है या नहीं है, तो यहाँ भी अभी कोई अंडा नहीं है। इसके अलावा यहाँ भी कोई अंडा नहीं है। तो आज 18वें दिन जो मैंने आपको दिखाया तो तोतियाँ तो जा रही हैं डोलियों में, लेकिन अंडा जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही डोली में है और वो ये वाली डोली है, इसके अंदर अंडा है और इसमें ब्लू कलर की इसकी फीमेल थी। बाकी इन मटकियों में भी किसी में अंडा नहीं आया, लेकिन जल्द आ जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। और तोतों ने देखें ये छल्ली का क्या हाशिर किया है, छल्ली खा खा के देखें उन्होंने ऐसी कर दी है। तो ये जो हमारा केज है इसकी हम प्रोग्रेस देख लेते हैं। तो इसमें देखें इस वक्त 3 पेयर्स हैं हमारे, प्रोग्रेस हम इनकी देख लेते हैं क्योंकि इनको भी कुछ दिनों में मास्टर केज में शिफ्ट होना है। तो देखें ये रेम्बो पेयर, इसके 3 बच्चे थे, देखते हैं कितने बड़े हो गए। तो देखिए माशाल्लाह काफ़ी बड़े हो गए हैं, इनकी दुमें भी आ गई हैं और पर भी तकरीबन पूरे आ गए हैं। तो तकरीबन ये 1 हफ्ते में सेल्फ हो जाएंगे और हम इनको यहाँ से बाहर निकाल देंगे। तो ये तो था हमारा इस केज का पहला पेयर। दूसरा पेयर ये है जिसमें ये ब्लू कलर की तोती और ग्रीन कलर का तोता है, इसके भी 3 बच्चे थे, ये भी देख लेते हैं कितने बड़े हो गए हैं। तो ये भी देखें तकरीबन उन्हीं के बच्चों के बराबर हैं और ये भी तकरीबन 7 दिन में बड़े हो जाएंगे और इनको भी हम निकाल लेंगे बाहर और फिर इन दोनों की हो जाएगी आज़ादी पेयर की और ये दोनों पेयर चले जाएंगे हमारे मास्टर केज में। और ये तीसरा पेयर है, इसके अंदर डोली के अंदर 4 बच्चे हैं, अभी मैं देखूंगा नहीं क्योंकि तोती अंदर है और बच्चे छोटे हैं। तो ये तीसरा पेयर है जिसने मास्टर केज में जाना है। तो ये तीनों पेयर हैं जिसने अनकरीब तकरीबन 10 दिन के अंदर मास्टर केज में शिफ्ट हो जाना है और इन बच्चों को हम कर देंगे सेल आउट। अब देखें ये आपको 3 मटकियां नजर आ रही होंगी, इनमें से ये जो कोने वाली मटकी थी इसके पेयर को हमने कल ही जो है वो मास्टर केज में शिफ्ट कर दिया है। और आपको ये जो 2 पोर्शन नज़र आ रहे हैं इसके सेंटर में से हमने जो है वो इस तरह की चीज़ डली हुई थी, ये वाली जो चीज़ जो सेंटर को सेपरेट करती है जाली, वो हमने निकाल दी है। तो अब ये दोनों पार्टीशन एक हो गए हैं। तो ये जो 4 बच्चे आपको नज़र आ रहे हैं ये उस पेयर के बच्चे हैं जिनको हमने पिछले दिनों शिफ्ट किया था और ये 4 बच्चे जो हैं वो तकरीबन 1 महीने के हो गए। यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कि ये पूरे का पूरा एक ही सेपरेट सेक्शन था पहले, अब इसको हमने एक ही कर दिया, यहाँ से सेपरेशन थी इसकी। तो अब ये देखें यहाँ पे तोते उड़ के दूसरे जगह भी जा सकते हैं। और उसके अलावा लास्ट पेयर जो है वो हमारे पास ये पेयर है, इसके बच्चे भी बड़े होंगे तो इसको भी हम मास्टर केज में शिफ्ट कर देंगे। तो तकरीबन 4 पेयर हैं, इस पेयर को मिला के ये 3 पेयर हैं जो मास्टर केज में शिफ्ट होने हैं। टूअर्स ये तो था आज का हमारा वी लॉग जिसमें मैंने आपको अपने मास्टर केज का डे 18 दिखाया और ये भी दिखा दिया कि हमारे मास्टर केज में 21 दिन बाद अब कोई ना कोई नया बच्चा, कोई मेहमान आ जाएगा क्योंकि हमारी एक तोती ने अंडे दे दिए हैं और बाकी तोतियां भी जो है वो जोड़े बनाने में मसरूफ़ हैं। और मैंने आपको आज एक इम्पॉर्टेंट गज़ा जिसको हम छल्ली कहते हैं, कॉर्न जिसको कहते हैं, वो भी आपको बताई और उसकी अफादियत भी बताई कि ये खिलाने से डिफरेंट विटामिन्स तोतों की कमी पूरी होती है
और तोते अच्छे अंडे देते हैं, और ये अंडे ना सिर्फ उनको अच्छे अंडे से फर्टाइल बच्चे निकलते हैं बल्कि सेहतमंद बच्चे भी निकलते हैं। तो ये गधाएं आप साथ साथ खिलाएं। और इसी तरह की मालूमाती वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हैं और इस मास्टर केज में अगले दिनों में क्या अपडेट होगी वो सब देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल अहमद नामा को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक कर दें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।